नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक चिंतकों की और आज का हमारा विषय है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जीवन काल था वो रहा 1806 से 1873 तक। 1806 से 1873 तक इनका जीवन काल रहा और इंग्लैंड लंदन में ये पैदा हुए थे। एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। इनके जीवन की परिस्थितियों को यदि हम देखें तो मिल जब जिस समय पैदा हुए यानी 19वीं शताब्दी का जो काल था उस समय क्या था, मिल के समय में इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। औद्योगिक क्रांति का दौर था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था और पूरे यूरोप के माल से पूरा विश्व जो है पूरे विश्व में यूरोप अपने माल का निर्यात कर रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उस समय इंग्लैंड में हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि ग्रामीण इलाके से जनता जो है शहरों में शिफ्ट होने, शहरीकरण की एक प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तो मिल के समय हम कह सकते हैं कि शहरी समाज जो है बढ़ा। अब शहरों में बढ़ रहे हैं तो शहरों की समस्याएं भी सामने आएंगी। एक मालिक होगा, एक मजदूर होगा और अमीर गरीब का अंतर जो है वो भी बढ़ा। अमीर गरीब का अंतर भी बढ़ा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये इससे असमानता में वृद्धि हुई, लोगों में असंतोष में वृद्धि हुई, असमानता बढ़ी। यानी अमीर लोग जो थे वो अमीर होते गए और जो मजदूर थे वो ज़्यादा गरीब होते गए। तो ऐसा मिल के समय में ऐसी प्रवृत्ति थी उस समय के इंग्लैंड की। इस समय विचार पनपे थे मिल के। दूसरी बात, हमने इससे जॉन स्टुअर्ट मिल से पहले अध्ययन किया था जर्मी बेंथम का। तो जर्मी बेंथम के सहयोगी थे जेम्स स्टुअर्ट मिल। तो मिल के लिए यदि हम देखें तो मिल पर जिन जिन विचारकों का प्रभाव था तो जर्मी बेंथम, और जर्मी बेंथम के ही सहयोगी थे इनके पिता जेम्स मिल या जेम्स स्टुअर्ट मिल। इन दोनों का, जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। उपयोगितावाद में बेंथम ने क्या बताया था कि सुख ही महत्वपूर्ण है, सुख ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुख की मात्रा, सुख भी उन्होंने मात्रात्मक सुख बतलाया था कि भाई गुणात्मकता कोई मैटर नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा सुख मिलना चाहिए और जो सुख प्रदाता है वही उपयोगी है। साथ ही कहा था कि सुख अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान किया जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए। लोकतंत्र, सरकार, सबका, मनुष्य का भी यही उद्देश्य होता है। तो पहले विचारक थे जर्मी बेंथम और जेम्स मिल। इन दोनों का प्रभाव पड़ा मिल पर। अन्य विचारकों का जिनका प्रभाव मिल पर पड़ा था उनको यदि हम देखें तो मिल के मित्र थे एक अमेरिकी दार्शनिक या अमेरिकी राजनीतिक विचारक जिनका नाम था डी टॉकविले। मिल के ही समकालीन थे। डी टॉकविले एक्चुअली अमेरिकी दार्शनिक थे, अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने ये विचार दिया कि अमेरिका में जो है लोकतंत्र नहीं है। अमेरिका में लोकतंत्र की बजाय बहुमत की निरंकुशता है, टिरनी ऑफ मेजोरिटी का प्रभाव है। अमेरिका में बहुमत की निरंकुशता है यानी बहुमत जो है अल्प मत वालों को या अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहा है।
ऐसे डी टॉकविले के विचार थे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अन्य विचारक जिनका मिल के चिंतन पर प्रभाव था, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे का प्रभाव भी जो है इनके चिंतन पर था। अगस्त कॉम्टे ने क्या किया था कि अगस्त कॉम्टे ने समाज के विकास के चरण बताए थे। इन्होंने समाज के विकास के चरणों का प्रतिपादन किया था। समाज का विकास किन-किन चरणों में हुआ, उन चरणों का उल्लेख अगस्त कॉम्टे ने अपने चिंतन में किया है, और उन चरणों में वो शामिल करते हैं। पहला चरण है धार्मिक, फिर दूसरा चरण है तात्विक, और तीसरे चरण में अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि वैज्ञानिक या सकारात्मक चरण, जिसमें तर्क बुद्धि का विकास हो गया और धर्म की धर्मांधता जो है लुप्त हो गई, वैज्ञानिक या सकारात्मक। इस प्रकार अगस्त कॉम्टे समाज के विकास को स्वीकारते हैं। इसके अलावा मिल के विचारों में चूंकि आदर्शवाद, हम देख सकते हैं कि काफी हद तक आदर्शवाद उनके विचारों में झलकता है, तो एक विचारक थे हम्बोल्ट। हम्बोल्ट भी आदर्शवादी विचारक थे, तो हम्बोल्ट के आदर्शवादी विचारों का प्रभाव मिल के चिंतन में देखा जा सकता है। साथ ही यूनानी जमाने का जो नैतिक चिंतन था, यूनानी जमाने के जो दार्शनिक थे, उनका प्रभाव भी मिल पर देखा जा सकता है। तो ये थे जिन जिन विचारकों ने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारकों को के विचारों को प्रभावित किया, वो ये थे। अब हम देखते हैं कि मिल ने किन किन पक्षों पर अपने विचार रखे। बेंथम ने सुझाया था उपयोगितावाद। उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जर्मी बेंथम ने। उसको मिल ने अपने तरीके से संशोधित किया। तो पहला काम मिल ने किया उपयोगितावाद में संशोधन। उसके बाद मिल ने जो है अपने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट किए, और स्वतंत्रता के बारे में मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार जिस पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में। असे ऑन लिबर्टी मिल की ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1859 में। इसमें उनके स्वतंत्रता के विचारों का प्रतिपादन किया गया है। उपयोगितावाद में संशोधन। इसके अलावा मिल जो है लोकतंत्र के विचार प्रस्तुत करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र का समर्थन भी मिल ने किया है। लोकतंत्र के बाद मिल महिलाओं के अधिकार या महिला अधिकारों की आवाज उठाने वाले विचारक माने जाते हैं। उस जमाने में महिला अधिकारों की बात करने वाले बहुत कम या ना के बराबर विचारक थे, तो मिल का महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाना वास्तव में मिल को एक महिला सशक्तिकरण का समर्थक, दार्शनिक या राजनीतिक विचारक सिद्ध करता है। तो इन्होंने महिला विचारों अधिकारों का समर्थन किया, और जिस पुस्तक में इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया है उस पुस्तक का नाम है कंसिडरेशन
कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, लोकतंत्र का समर्थन किया और उसके बाद इन्होंने महिला अधिकारों का समर्थन किया। मिलके विचारों का यदि हम अगला पक्ष देखें तो मिल के विचारों में, चूंकि उपयोगितावाद और उदारवाद की जो क्या क्या समानताएं हैं वो अभी हम देखेंगे, मिल के विचारों में उदारवाद झलकता है लेकिन फिर भी वो जो है एक कल्याणकारी राज्य का विचार देते हैं, यानी उदारवाद के साथ साथ थोड़ा बहुत उनमें जो है समाजवाद की बातें भी झलकती हैं। कल्याणवादी राज्य या कल्याणकारी राज्य का विचार वो देते हैं और इसमें वो हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं, यानी राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं, जिस पुस्तक में ये सिद्धांत वो प्रतिपादित करते हैं अपने हस्तक्षेपवादी राज्य का, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1848 में। तो ये मिल के विचारों के विभिन्न पक्ष हैं उपयोगितावाद में। एक एक करके हम इनको जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन किया, स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए, लोकतंत्र का समर्थन किया, महिला अधिकारों की बात की और एक उदारवादी होते हुए भी कल्याणकारी या हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। तो ये हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जो है एक उपयोगितावादी, बेंथम का जो उपयोगितावाद था वो और जो उपयोगितावाद मिल ने सुझाया है वो है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यदि हम उपयोगितावाद संबंध में संशोधन संबंधी विचारों पर दृष्टि डालें तो मिल के बारे में कहा जाता है कि मिल जो है पहले व्यक्तिवादी, प्रथम व्यक्तिवादी और अंतिम उदारवादी थे, सॉरी प्रथम व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी। इसका क्या मायने हैं यह हम जानेंगे। मिल को कहा जाता है कि वो प्रथम व्यक्तिवादी, प्रथम व्यक्तिवादी का मतलब कि पहले व्यक्ति के बारे में, उसके बाद वो उपयोगितावाद की बात करते हैं, पहले व्यक्ति के कल्याण या व्यक्ति के नैतिक विकास के बारे में बात करते हैं और सबसे अंत में वो उपयोगितावाद की बात करते हैं, अंतिम उपयोगितावादी। मिल ने क्या किया कि बेंथम के विचारों में चूंकि भौतिकता प्रधान थी, बेंथम के विचारों में जो भौतिकता के तत्व थे उनको बदलते हुए मिल ने कहा कि मानव जीवन के कई पक्ष होते हैं। मिल ने कहा कि मानव जीवन के कई पक्ष हैं, सिर्फ भौतिकतावादी सब कुछ नहीं है, कई पक्षों में मानव जीवन बटा होता है। तो एक होता है नैतिक पक्ष, दूसरा होता है सौंदर्य का पक्ष, और नैतिक पक्ष, सौंदर्य का पक्ष, और तीसरे पक्ष में हम देख सकते हैं कि सहानुभूति का पक्ष। सहानुभूतिक पक्ष, यानी मिल के अनुसार सिर्फ भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, नैतिकता, सौंदर्य बोध और दूसरे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति भी
एक अलग चीज है। इसके विपरीत बेंथम मानते थे कि सिर्फ सुख प्राप्ति ही, और सुख भी मात्रात्मक सुख, जबकि मिल ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने मात्रात्मक की बजाय गुणात्मक सुख को महत्व दिया। मिल ने कहा कि गुणात्मक सुख जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। गुणात्मक सुख की बात मिल करते हैं, और फिर सुख का भी वो गुणात्मक विभाजन कर देते हैं। सुख के गुणात्मक विभाजन करते हुए मिल कहते हैं कि सुख जो है दो प्रकार का होता है। पहला सुख है नैतिक सुख। मिल ने मात्रा सॉरी बेंथम ने मात्रा में बात की थी, जबकि मिल जो है क्वालिटी की बात करते हैं। और क्वालिटी के हिसाब से सुख को दो प्रकार के बांटते हैं। एक तो नैतिक सुख और एक दूसरा है भौतिक सुख। नैतिक सुख को मिल जो है उच्चतर या हायर हैप्पीनेस की संज्ञा देते हैं, उच्चतर सुख बतलाते हैं। और भौतिक सुख के बारे में मिल कहते हैं कि ये निम्नतर सुख है, निम्नतर सुख है, निम्नतर सुख है। और भौतिक सुख की बजाय मिल कहते हैं कि मानव होने का अर्थ है कि उच्चतर सुखों की प्राप्ति। मानव होने का अर्थ ही यही है कि आप उच्चतर सुखों की प्राप्ति करें, और भौतिक सुख इंसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि नैतिक सुख अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मिल का एक कोट है, मिल कहते हैं कि असंतुष्ट सुकरात इसी कथन में मिल ने बैंथम की आलोचना इसमें छुपी हुई है। असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अधिक बेहतर है। संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। असंतुष्ट सुकरात, सुकरात के बारे में यदि हम बात करें तो सुकरात नैतिक सुख या नैतिक चिंतक थे, नैतिकता की बात करते थे, और सुकरात को नैतिकता में सुख मिलता था। संतुष्ट मूर्ख बेंथम का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन यहां वो बेंथम की ओर ही इशारा करते हैं कि इनके लिए सिर्फ सुख की मात्रा ही मैटर करती है, नैतिकता नहीं। शारीरिक सुख ये उच्चतर सुख है, ये निम्नतर सुख है। सिर्फ शारीरिक है, भौतिक है, इंद्रियों से संबंधित है, इसलिए ये सुख अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अधिक बेहतर है। इसमें आलोचना छिपी हुई है बैंथम की। मूर्ख वो मूर्ख कह करके कहीं कहीं बैंथम की ओर ही इशारा कर रहे हैं। इसके आगे कहते हैं कि सुख की बजाय बेंथम चूंकि व्यक्तिवादी पहले हैं, हमने कहा कि पहले व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी, तो ये कहते हैं कि सुख अधिक महत्वपूर्ण है नहीं है, बल्कि सुख की बजाय स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। सुख की बजाय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। बेंथम में हमने देखा था कि बेंथम ने इतिहास, परंपरा और धर्म इन तथ्यों की अवहेलना की थी, जबकि मिल जो है परंपरा, इतिहास और संस्कृति इन सभी का विशेष ध्यान रखते हैं अपने चिंतन में, परंपरा, इतिहास और संस्कृति। इसलिए मिल को कहा जाता है कि ऐतिहासिक सापेक्षवादी। मिल को ऐतिहासिक सापेक्षवादी भी कहा जाता है,
जिन विचारक ने उनको संज्ञा दी है उनका नाम है वेपर। वेपर ने मिल को ऐतिहासिक सापेक्षवादी की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि मिल जो है परंपरा, इतिहास और संस्कृति का बराबर अपने चिंतन में विशेष ध्यान रखते हैं। इसके उलट बेंथम ने जो है इतिहास, परंपरा, धर्म, संस्कृति, इन तथ्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने इनको कोई महत्व नहीं दिया। तो ये था बेंथम द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन। पहला व्यक्तिवादी और अंतिम व्यक्तिवादी क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि बेंथम के लिए सुख की बजाय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, इसलिए यानी वो स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं। अब व्यक्तिवाद और उदारवाद के एक बार तत्व कौन कौन से उपयोगितावाद से मिलते जुलते हैं उन पर हम, चूंकि पिछले लेक्चर में भी देखा था, इस लेक्चर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयोगितावादी के लिए व्यक्ति प्राथमिक है, ये मूल तत्व है उपयोगितावाद के, और समुदाय द्वितीयक है। व्यक्ति प्राथमिक, समुदाय द्वितीयक। इसके अलावा राज्य, इनके इनका जो राज्य है वो मानव निर्मित है या कृत्रिम है, यानी राज्य के कृत्रिम स्वरूप को मानते हैं, यानी कि यंत्रवादी स्वरूप को, मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ स्टेट को ये मानते हैं। इसके अलावा राज्य इनके लिए एक साधन है, किस चीज का? राज्य सुख प्राप्ति का साधन है। राज्य जो है सुख प्राप्ति का साधन है। इनके लिए लोकतंत्र भी सुख प्राप्ति का साधन है। अब इन ये जो दो तत्व हैं, यहां उदारवाद के साथ ये मिलते जुलते हैं, उदारवादी कहें या व्यक्तिवादी कहें, लेकिन यहां उपयोगितावादियों का अंतिम साध्य सुख बन जाता है, लेकिन उदारवादियों और व्यक्तिवादियों का अंतिम साध्य होता है स्वतंत्रता। उदारवादियों और व्यक्तिवादियों के लिए अंतिम साध्य स्वतंत्रता है, और उपयोगितावादियों के लिए अंतिम साध्य है सुख। तो ये डिफरेंस और समानता के बिंदु थे उपयोगितावाद और उदारवाद के। ये थे मिल द्वारा उपयोगिता के विचार, उपयोगितावाद में संशोधन, बेंथम के उपयोगितावाद में उन्होंने किस प्रकार संशोधन किया। आगे हम देखते हैं कि मिल के स्वतंत्रता के विचार, अपने स्वतंत्रता के विचारों के प्रतिपादन में मिल ने क्या कहा। मिल की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के विचारों को जैसा कि हमने बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में अपने विचार लिखे थे स्वतंत्रता के बारे में। एसे ऑन लिबर्टी में ये जो है स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार देते हैं। और मिल से पहले भी कुछ चिंतकों ने स्वतंत्रता के बारे में बात की है। मिल से पहले एक थे जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन भी स्वतंत्रता के काफी समर्थक थे, और वाल्टेर। ये इन दोनों विचारकों का नाम भी स्वतंत्रता के समर्थकों की श्रेणी में आता है, तो इनका नाम ध्यान में रखना जरूरी है। मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए मिल क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है।
स्वतंत्रता दरअसल प्रतिबंधों का अभाव है। कोई भी प्रतिबंध नहीं हो तो वो स्वतंत्रता है। सबसे आसान परिभाषा इन्होंने दी है, प्रतिबंधों का अभाव है स्वतंत्रता। सीधी सीधी परिभाषा मिलने दी। प्रतिबंध किससे होंगे? प्रतिबंध दो तरीके से हो सकते हैं। पहले मिल कहते हैं कि सरकार प्रतिबंध लगाए, और दूसरा बहुमत का शासन या बहुमत समाज। बहुमत समाज यदि प्रतिबंध लगाए, सरकार से प्रतिबंध का मतलब यह हुआ कि सरकार कानून बना करके कानूनी प्रक्रिया से प्रतिबंध लगाए। बहुमत समाज यानी जिस समाज में बहुमत में जो समुदाय है, वो यदि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथा परंपराओं की या उनकी मान्यताओं की अवहेलना करे, उन्हें उनके पालन में बाधा पहुंचाए, तो उसे बहुमत समाज की निरंकुशता कहते हैं या टिरनी ऑफ मेजोरिटी कहा जाता है। बहुमत समाज की निरंकुशता, ये विचार जो है इन्होंने, हमने आपको बताया था, लिया था अलेक्सी डी टोकविले से। इन्होंने लिया था, अलेक्सी डी टोकविले की रचना थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इन अमेरिका अलेक्सी डी टोकविले की रचना है। अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं टोकविले, और उनसे बहुमत समाज की निरंकुशता का सिद्धांत मिलने ग्रहण किया है। दो प्रकार के प्रतिबंध बताते हैं, सरकार द्वारा और बहुमत समाज द्वारा। मिल स्वतंत्रता के समर्थन में कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने शरीर और मस्तिष्क का मालिक है। शरीर का और मस्तिष्क, शरीर का और दिमाग का, दोनों का मालिक है। शरीर से जो चाहे वो करे, मस्तिष्क से जो चाहे करे। इसलिए मस्तिष्क में क्या पैदा होते हैं? मस्तिष्क में विचार पैदा होते हैं, यानी मनुष्य को विचारों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसके जो भी विचार होंगे उनको अभिव्यक्त करने की आजादी मनुष्य को होनी चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं कि स्वतंत्रता से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतंत्रता से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, और यदि स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी कि व्यक्ति को कुछ शरीर से करने नहीं दिया जाएगा, मस्तिष्क से सोचने नहीं दिया जाएगा, तो वो एक वस्तु बन जाएगा। अगर प्रतिबंध होंगे तो व्यक्ति वस्तु बन जाएगा, और वस्तु और इंसान यानी उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। अब चूंकि समाज भी क्या है? व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज भी व्यक्तियों से बना है, व्यक्तियों का समूह है, वही समाज कहलाता है। इसलिए मिल कहते हैं कि व्यक्तित्व का यदि विकास रुक जाएगा, व्यक्तित्व का विकास यदि अवरुद्ध होगा, तो समाज का विकास भी रुक जाएगा। क्योंकि यदि व्यक्ति का विकास ही नहीं होगा, तो व्यक्तियों के समूह का विकास नहीं होगा, यानी कि समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास रुक जाएगा। यदि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, अपने शरीर से कुछ करने और विचारों, मस्तिष्क से सोचने समझने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी उसे होनी चाहिए, और ये सब जो है उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। यदि मनुष्य को करने और सोचने से रोका जाएगा, तो उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वह वस्तु बन जाएगा। क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा, तो समाज का विकास भी रुक जाएगा, ऐसा मिल कहते हैं। और समाज के विकास से क्या होता है? समाज का विकास जो है सभ्यता को जन्म देता है। समाज के जन्म विकास से सभ्यता विकसित होती है। यदि समाज का विकास रुक जाएगा, तो सभ्यता रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है स्वतंत्रता, समाज का ये विकास का मूल व्यक्तियों के प्रथा परंपराओं के, यानी कि मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति
कुछ भी करता है, भले ही वो बहुमत के खिलाफ भी आवाज उठाता है, प्रथा परंपराओं के खिलाफ भी आवाज उठाता है, प्रथा परंपरा के खिलाफ आवाज यदि वो उठाता है, उन्हें नकारता है, तो भी व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के विरोध करने से, इसके खिलाफ आवाज उठाने से, इन्हीं संघर्षों से सभ्यता विकसित होती है। समाज के विकास का मूल कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रथा परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने में निहित होता है, इसलिए मिल कहते हैं कि सभ्यता जो है इसी से विकसित होती है, और मिल ने जो है क्या कहा कि व्यक्तित्व विकास को किन रूपों में चित्रित किया? व्यक्तित्व विकास के लिए मिल ने कहा कि व्यक्तित्व विकास यानी आत्म साक्षात्कार, नैतिक विकास, और तीसरी चीज समुदाय के विकास। व्यक्तित्व विकास के तीन कारक मिल स्वीकारता है, आत्म साक्षात्कार, नैतिक विकास और समुदाय का विकास। यहां भी हम देख सकते हैं कि इन चीजों में वह भौतिक कारकों पर अधिक ध्यान नहीं देता। भौतिक कारकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया मिलने। तो ये था मिल का पहला तर्क स्वतंत्रता के पक्ष में, और दूसरा तर्क जो है मिल ने स्वतंत्रता के पक्ष में ऐतिहासिक तर्क भी दिए। ऐतिहासिक तर्क देते हुए मिल ने क्या कहा? मिल ने कहा कि ईसा मसीह और सुकरात, इन दोनों को भी बहुमत समाज के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन यदि इनके विचार समाज समाज के सामने नहीं आते, इन दोनों को सजा भुगतनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्यों मिली सजा? बहुमत की निरंकुशता की वजह से। बहुमत की निरंकुशता, तो ये मिल प्रमाण देते हैं कि बहुमत की निरंकुशता किस प्रकार से स्वतंत्रता में बाधक होती है। अतः स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए? ताकि बहुमत की निरंकुशता से बचा जा सके। यानी ईसा मसीह और सुकरात उस समय अपने विचार व्यक्त नहीं करते तो सभ्यता का विकास नहीं होता। और उन्हें क्यों सजा भुगतनी पड़ी? क्योंकि बहुमत समाज की निरंकुशता, बहुमत समाज ने उनका विरोध किया, इसलिए उनको सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है ताकि बहुमत समाज की निरंकुशता से बचा जाए। बहुमत समाज में निरंकुशता में क्या क्या आता है? इसमें आती हैं प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि, बहुमत समाज की में बहुमत की निरंकुशता में शामिल होती हैं। और ये मॉरल पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग का काम करने लग जाता है बहुमत, यानी इसमें जो है विधि की बजाय समाज का प्रतिबंध होता है। कानून नहीं होता, उसके बावजूद भी समाज प्रतिबंध लगाता है। मिल अपनी आजादी को, मिल जो है निरपेक्ष आजादी का समर्थन करता है। मिल समर्थन करता है एब्सोल्यूट लिबर्टी, यानी निरपेक्ष आजादी। मिल की आजादी एब्सोल्यूट है। कैसे है? तो निरपेक्ष आजादी का वर्णन करते हुए कहता है कि निरपेक्ष आजादी का मतलब है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को ही जो है मिल निरपेक्ष आजादी की संज्ञा देता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके लिए मिलने क्या किया कि
योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य होगा वो जीवित रहेगा, वो है विचार जीवित रहेगा, योग्यतम की उत्तरजीविता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में मिल जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं। इसका मतलब है, वो कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति पूरी सभ्यता के खिलाफ बोल रहा है, पूरे समाज के खिलाफ बोल रहा है, समाज के खिलाफ यदि एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। उसके विचारों को अवरुद्ध करने का समाज को कोई अधिकार नहीं है। यदि उसकी आवाज का दमन हो जाएगा तो ये स्वतंत्रता में बाधक होता। यानी वो कहते हैं कि समाज को में जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, सहन करने की शक्ति है, वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। सहिष्णुता उच्च कोटि की, अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, निरपेक्ष आजादी के सिद्धांत में। वो कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति झूठ भी, ये व्यक्ति मान लो झूठ बोल रहा है, यदि ये झूठ भी बोल रहा है तो भी उसे मत रोको, तो भी मत रोको। क्यों मत रोको? क्योंकि यदि ये झूठ बोल रहा है तो झूठ के सामने सत्य अधिक प्रभावशाली बनेगा, अधिक प्रभावशाली बनकर उभरेगा। मिल का ऐसा मानना था कि यदि एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो भी उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में सत्य ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभरेगा। दूसरी बात, झूठ बोल रहा है तो क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि हो सक सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यानी यदि मैं ये दावा करूं कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है, तो ये चीज सही नहीं है। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बात ही सत्य है, सामने जो बोल रहा है वो असत्य है। इसलिए जो कुछ भी बोल रहा है उसे रोकना नहीं चाहिए। यदि किसी को इस आधार पर रोका जाएगा तो मिल कहते हैं कि हो सकता है हम पूरी सभ्यता को, मिल कहता है कि यदि किसी को बोलने से रोका जाएगा तो हो सकता है कि हम पूरी संस्कृति को, पूरी सभ्यता को सत्य से वंचित कर देंगे, सत्य से वंचित कर देंगे, क्योंकि हमने किसी को बोलने से रोका है। ऐसा मिल मानते हैं। और मिल कहते हैं कि सत्य के निर्धारण का एक तरीका है। सत्य के निर्धारण कैसे किया जाए? सत्य के निर्धारण का केवल एक तरीका है, और वो तरीका है विचारों का संघर्ष। यानी विचारों का संघर्ष होने दीजिए, विचारों के संघर्ष को बढ़ावा दो, और किसी भी विचार को पूर्ण मत मानो। किसी भी विचार को पूर्ण न मानना, ऐसा मिल कहते हैं कि इससे सत्य का अनुसंधान होगा, सत्य का पता चलेगा। जो अधिक होगा, जो जिसमें टिके रहने की क्षमता होगी, जो योग्यतम होगा वो जीवित रहेगा। यही योग्यतम की उत्तरजीविता का मिल का सिद्धांत है। सत्य के बारे में, या कहें कि यही निरपेक्ष आजादी का उनका सिद्धांत है। मिल जो है टोकविले से भी काफी प्रभावित थे। हमने देखा कि टोकविले अमेरिकी एक राजनीतिक विचारक हैं, और मिल यह उल्लेख करना जरूरी है कि ये टोकविले से काफी प्रभावित थे। टोकविले एक अमेरिकी विचारक थे। इन्होंने कहा कि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन है परंतु स्वतंत्रता नहीं है। और इनसे प्रभावित होकर के मिल ने कहा कि इनसे प्रभावित होकर के मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र हो। स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता होगी। यानी स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र जरूरी है, पूर्व शर्त है, लेकिन
हर प्रकार के लोकतंत्र में, हर लोकतंत्र में स्वतंत्रता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये था मिल का निरपेक्ष आजादी का विचार, या आजादी के पक्ष में जो उनके तर्क थे वो। अभी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पर कितने प्रकार की और क्या प्रतिबंध वो आरोपित करते हैं। इसे मिलने सिद्धांत का नाम दिया है, हानि का सिद्धांत। हानि के सिद्धांत में ही हम स्वतंत्रता के प्रकार और देखेंगे। हानि का सिद्धांत अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी में मिल क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार बतलाते हैं वो। पहली स्वतंत्रता होगी बोलने की, अभिव्यक्ति की। फिर दूसरी स्वतंत्रता जो है संघ या संगठन बनाने की। इसके अलावा तीसरी स्वतंत्रता मिल बताते हैं कार्य करने की स्वतंत्रता। तो मिल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, इन दोनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई प्रतिबंध नहीं। अब कार्य करने की स्वतंत्रता को मिल आगे, यानी कार्य को कहें, कार्य करने की स्वतंत्रता या कार्य को मिल दो भागों में बांटते हैं। पहला है आत्मपरक कार्य, और दूसरा कार्य है अन्य परक कार्य। आत्मपरक कार्य का मतलब है कि वह कार्य जो निजी जीवन को ही प्रभावित करे सिर्फ, यानी ऐसा काम जो सिर्फ निजी जीवन को प्रभावित करे, या कहें कि जो केवल कर्ता को प्रभावित करे, जो केवल कर्ता को प्रभावित करे। और अन्य परक कार्यों से सार्वजनिक जीवन प्रभावित होता है। ये मिल का विभाजन था कार्य का। अब मिल कहते हैं कि अभिव्यक्ति संघ बनाने की स्वतंत्रता पर तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फिर कार्य करने की स्वतंत्रता को दो भागों में, फिर कहते हैं कि आत्मपरक कार्य पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपने साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा करता रहे, क्योंकि वह अपने मस्तिष्क और शरीर का स्वामी है। लेकिन यदि व्यक्ति के किसी कार्य से सार्वजनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वह प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें और इस प्रतिबंध को ही जो है हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी जिस काम से दूसरे की स्वतंत्रता भंग होती हो उस काम को करने के लिए आपको रोका जा सकता है। साथ ही मिल कहते हैं कि यदि नागरिक कर्तव्य में ये चीज जरूरी हो, एक नागरिक के रूप में आपको कर्तव्य करना हो, तब भी आपको रोका जा सकता है। साथ ही यदि देश पर बाह्य आक्रमण हो, यानी सुरक्षा, देश राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा हो, तब भी आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये था मिल का हानि का सिद्धांत। अब मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना कुछ विचारकों ने की है, तो हम आलोचना देख लेते हैं। मिल के बड़े आलोचक हैं बारकर, और बारकर कहते हैं कि मिल की आजादी खोखली है। कैसे खोखली है, बारकर क्या कहते हैं? मिल की आजादी
खोखली है। इसके पीछे वो कारण बताते हुए कहते हैं कि मिल ने हालांकि स्वतंत्रता का समर्थन किया, ठीक है, लेकिन उनके विचारों में कहीं अधिकार की कोई बात ही नहीं है। इनके विचारों में अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि हमने देखा लोक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की, लोक ने बात की प्राकृतिक अधिकारों की। रूसो ने या सॉरी बेंथम ने बात कही वैधानिक अधिकारों की, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को नकारते हैं लेकिन वो वैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन मिल के चिंतन में कहीं भी अधिकार का कोई जिक्र नहीं है, और अधिकारों के विचार को मिल स्वीकार नहीं करते। इसलिए बारकर कहते हैं कि मिल की आजादी जो है वो खोखली है, मिल की आजादी खोखली है, ऐसा बारकर कहते हैं। इसके अलावा बारकर और कहते हैं, बारकर कहते हैं कि मिल जो है अमूर्त व्यक्तिवाद का पिता था। बारकर अमूर्त व्यक्तिवाद का पिता था। अमूर्त व्यक्तिवाद का पिता कैसे था? क्योंकि बारकर का मानना है कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है। बारकर कहते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जबकि मिल ने क्या किया, मिल ने व्यक्ति को अणु की भांति माना कि व्यक्ति एक अणु की भांति स्वतंत्र है। मिल चूंकि व्यक्तिवादी है इसलिए व्यक्ति को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र मानते हैं, उसे अणु की भांति मानते हैं कि किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति अणु की भांति है, समाज भी अणुवादी समाज है। इसलिए बारकर कहते हैं कि चूंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, मिल की तरह नहीं हो सकता कि व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मिल अमूर्त व्यक्तिवाद के पिता है। तीसरी आलोचना बारकर करते हैं कि जिस प्रकार मिल ने आत्मपरक और अन्य परक कार्यों का विभाजन किया, आत्मपरक तथा अन्य परक कार्यों का जिस प्रकार मिल ने विभाजन किया, वैसा विभाजन साफ तौर पे किया नहीं जा सकता। कौन सा कार्य आत्मपरक है, कौन सा अन्य परक है, ये विभाजन करना पहली बात सही से किया नहीं जा सकता, और जो कौन करेगा हो सकता है ये निर्धारण करने में भी स्वतंत्रता का हनन हो। इसलिए भी मूर्त इनको कहा कि अमूर्तवाद का अमूर्त व्यक्तिवाद का पिता है, और कहा कि मिल की आजादी जो है खोखली है। ये दो कथन महत्वपूर्ण हैं बारकर के। इसके अलावा जिन्होंने आलोचना की वो थे एक विचारक बोसांग के। बोशांके ने भी मिल की आलोचना की। बोशांके कहते हैं कि मिल का व्यवहार अनालोचित व्यक्तिवाद है, जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रवृत्ति रखता है। यानी मिल जो है कहीं व्यक्ति और समाज के बीच में झूला हुआ है, व्यक्ति की तरफ जाए या समाज की तरफ जाए वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। बोशांक के कहते हैं कि मिल का व्यक्तिवाद अनालोचित व्यक्तिवाद है, जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रवृत्ति रखता है। ये बोशांक का कथन है मिल की आलोचना करते हुए। तो ये था मिल का स्वतंत्रता का विचार। अब हम देखते हैं कि मिल का लोकतंत्र का क्या विचार था। मिल का स्वतंत्रता का विचार पूर्ण हुआ। मिल का लोकतंत्र का विचार देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में मिल ने अपने विचारों में क्या कहा। लोकतंत्र उपयोगितावादियों के लिए क्या था? उपयोगितावादियों के लिए तो एक साधन था सुख प्राप्ति का, लेकिन मिल ने इससे बढ़कर कुछ विचार दिए।
मिल ने कहा कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। पहली बात उन्होंने कही कि ये सबसे बेहतर शासन प्रणाली है, और इसमें भी वो जो है संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं। संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र के चुनाव कैसे हों, संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात मिल करते हैं, यानी कि रूसो ने जो जिस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, रूसो ने, आपको ध्यान हो हमने चर्चा की थी रूसो के बारे में, रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की थी, तो मिल उस विचार को नकार देते हैं और कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव होने चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और जो हमारे देश में प्रचलित सांसदों को चुनने की प्रणाली है उसमें अंतर है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं और मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, जिस पार्टी को जितने वोट का प्रतिशत मिलता है उतने उनके सांसद संसद में पहुंचते हैं। अपने अपने कैंडिडेट के साथ पार्टियां उनकी वरीयताएं भी निर्धारित करती हैं, यानी पहले नंबर पर यदि पार्टी को एक कैंडिडेट मिला तो पहला कैंडिडेट ये होगा, दो मिले तो, इस प्रकार वरीयता निर्धारित करती हैं। जितनी सीटें होती हैं उतनी वरीयताओं का निर्धारण पार्टियों द्वारा किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतेगा, ऐसी प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है, क्योंकि ये थोड़ी सी सरल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थोड़ी जटिल है, और इसमें अच्छी बात क्या होती है, चूंकि जटिल है ये इसकी बुराई है, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या होती है कि इसमें सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ सीटें मिल जाती हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अल्पसंख्यक का भी प्रतिनिधित्व होता है। अल्पसंख्यक को भी उसकी अनुपात में स्थान मिलता है, इसलिए मिल जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। समाज के सभी समूहों का प्रतिनिधित्व उनके अनुपात में होता है, जिस पार्टी को जितना वोट प्रतिशत मिलता है संसद में उनको उतने प्रतिशत सीटें मिल जाती हैं। आगे मिल कहते हैं कि मतदान जो है खुला मतदान होना चाहिए, यानी जो गुप्त मतदान की प्रणाली है वो सही नहीं है, खुला मतदान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में सच बोलने का साहस होना चाहिए। व्यक्ति जो कह रहा है उसमें वह कहने का साहस होना चाहिए, बोलने का साहस उसमें होना चाहिए। साथ ही एक बेंथम ने जो धारणा दी थी एक व्यक्ति एक मत का, तो मिल जो है उस बात को नकार देते हैं कि एक व्यक्ति एक मत का कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति एक मत, बेंथम कहते हैं कि अनपढ़ों को तो मत का अधिकार दो ही मत, क्यों मत दो? अशिक्षित व्यक्तियों को, वो कहते हैं कि जिनको जोड़ घटाना ही नहीं आता उनको मतदान करने का अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है, वो क्या निर्धारण करेंगे अपने प्रतिनिधियों का? वो कहते हैं कि संपत्तिशाली व्यक्तियों, शिक्षित को और संपत्तिशालियों को मतदान करने का, शिक्षित को प्लस संपत्तिशाली को, इनको जो है मतदान का अधिकार होगा, और इनको जो है एक से ज्यादा मत, इनको एक से ज्यादा मत देना चाहिए। इस सिद्धांत को तो खारिज करते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षित और संपत्तिशाली को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, एक से अधिक मत, यानी इस चीज को वो कहते हैं बहुल मतदान। बहुल मतदान की बात
मेल करते हैं कि संपत्तिशाली और शिक्षित व्यक्तियों को एक से अधिक मत देना चाहिए, क्योंकि विवेक का महत्व होता है। संसदीय प्रणाली में बहुमत के साथ साथ विवेक का भी महत्व होता है। इसके आगे मिल कहते हैं कि शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत देना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोर्ड सभा का समर्थन किया। इंग्लैंड में जो लोर्ड सभा थी उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो है विवेक का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए लोर्ड सभा जो है वो बनी रही, ऐसा इनका मानना है। और ये मतदान को भी कर्तव्य के रूप में मानते हैं। मतदान क्या होगा? कर्तव्य होगा व्यक्ति का कि वह मत करे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति मत करे, इसलिए मतदान का महत्व है। मिल जो है लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में, एक शिक्षा प्रणाली, लोकतंत्र को मिल बताते हैं कि एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली है, साथ साथ ये जीवन शैली भी है। कैसे है? क्योंकि इससे व्यक्तियों को अपने सामुदायिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलता है। सामुदायिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलता है, इसलिए लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है। लोग सामुदायिक कार्यों में भागीदारी करना सीखते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि सार्वजनिक विषयों में, सामुदायिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलता है और सार्वजनिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती है कि सार्वजनिक विषय क्या हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, इसलिए लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, ये नैतिकता के विकास में भी सहायक है। नैतिकता के विकास में क्यों सहायक है? क्योंकि व्यक्ति को जो है जब वह मतदान करता है, मतदान के समय व्यक्ति को एक न्यायाधीश की भांति सोचना चाहिए, एक जज की तरह व्यक्ति को सोचना चाहिए, पूर्णतया नैतिकता से मतदान करना चाहिए, खुला मतदान, साहसी होकर के मतदान करना चाहिए, यानी उसे न्यायाधीश की तरह समुदाय की भलाई के लिए अपना मत देना चाहिए। और सांसद को भी, सांसद के बारे में भी वो कहते हैं कि सांसद को भी नैतिक होना चाहिए। सांसद को नैतिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे मत दिया है या नहीं दिया है, दोनों का उसे सम्मान करना चाहिए। जीवन शैली के रूप में किस प्रकार चिन्हित करते हैं व्यक्ति, मिल लोकतंत्र को जीवन शैली के बताते हुए मिल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत रखने का या विचार रखने का अधिकार हो, मत या विचार का अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत सामूहिक जीवन में भी, दैनिक दिन के जीवन में भी मत और विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जो है जीवन शैली के रूप में तब्दील हो पाएगा। असहमति और आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई हमसे असहमत है, कोई हमारी आलोचना कर रहा है, तो उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि विवादों के समाधान के रूप में हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से विवाद नहीं निपटाने चाहिए, हिंसा से विवाद समाधान नहीं करना चाहिए, तभी जो है लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में स्थापित हो पाएगा। यानी मिल ने यह प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि समाज भी लोकतांत्रिक हो,
समाज का लोकतांत्रिक होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है, ऐसा मिल का मानना है। मिल के इन विचारों के कारण उन पर आरोप लगाया जाता है, किस विचार के कारण, कि समाज भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसलिए मिल ने कहा कि ऐसे समाज, उन्होंने यूरोपीय समुदाय में तो लोकतंत्र को स्वीकारा, लेकिन अफ्रीकी एशियाई समाजों में उन्होंने स्वीकारा नहीं। वेपर इनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी की संज्ञा देते हैं। मिल को वेपर ने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा। किसने कहा? वेपर ने। क्या कारण बतलाए? तो इनके कारणों में उन्होंने कहा, मिल ने लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली कहा, लेकिन मिल कहते हैं कि लोकतंत्र जो है सभी समाजों के अनुकूल नहीं है, लोकतंत्र सभी समाजों के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र सभी समाजों के अनुकूल नहीं है, यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि यूरोप के लिए तो ठीक है, लेकिन एशिया अफ्रीका के बारे में जब उनसे पूछा गया क्या क्या एशिया अफ्रीका में भी लोकतंत्र कायम करना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, और इनके लिए तो अधिनायकवाद ही होना चाहिए। वो कहते हैं कि इस अधिनायकवाद में आप लोगों का शोषण मत करो, उनके कल्याण की बात करो, और अपने अपने अधिनायकवाद को वो संज्ञा देते हैं विनम्र अधिनायकवाद की। अपने अधिनायकवाद को लोग संज्ञा देते हैं विनम्र अधिनायकवाद। कहते हैं कि अफ्रीकी एशियाई समाजों में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिछड़े समाजों के लिए अधिनायकवादी शासन ही उचित है, वहां अधिनायकवाद ही होना चाहिए, जिसे उन्होंने विनम्र अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। विनम्र अधिनायकवाद के जरिए लोगों को सभ्य बनाने की वो बात करते हैं। कहते हैं कि विनम्र अधिनायकवाद से हम एशिया अफ्रीका के लोगों को सभ्य बनाएंगे, यानी भारत जैसे देश के लिए भी उन्होंने कहा कि यहाँ भी विनम्र अधिनायकवाद होना चाहिए, लोकतंत्र की कोई बात वो नहीं करते। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि वो एक व्यक्ति एक मत की बात भी नकारते हैं। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत की बात कही थी, लेकिन मिल खुद जो है एक व्यक्ति एक मत की बात नकारते हैं। सभी व्यक्तियों को समान मत, कुछ को एक से ज्यादा मत, किसी को एक व्यक्ति एक मत का भी अधिकार नहीं है। तो इस कारण से वेपर जो है ये आरोप लगाते हैं कि मिल अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं। मिल के एक मित्र थे, सॉरी लॉर्ड लोथिया, मिल के मित्र नहीं थे, लॉर्ड लोथिया नाम के एक विचारक थे, लॉर्ड लोथिया। लॉर्ड लोथिया कहते हैं, मिल के विचार का निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र, मिल का जो लोकतंत्र है, मिल का लोकतंत्र उपहार नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाए। मिल का लोकतंत्र जो है उपहार नहीं है, ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता, बल्कि एक आदत है, इसे अपने आप विकसित करना होगा। ये ऐसे कुलीन लोगों से द्वारा निर्माण, ऐसे कुलीन लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय देने की जिनकी आदत हो। तो इसलिए मिल जो मिल नकारते हैं लोकतंत्र को एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए, इसलिए उनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है वेपर। ये थे मिल के लोकतंत्र के विचार। अभी हम आगे देखते हैं कि मिल ने महिलाओं के कल्याण के बारे में अपने क्या विचार दिए।
किस प्रकार उसने महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई। मिल ने बात की महिला अधिकारों की, महिला अधिकारों की बात जिस किताब में मिल करते हैं उस उनकी पुस्तक का नाम है द सब्जेक्शन ऑफ विमन। सब्जेक्शन ऑफ विमन में महिलाओं की सार्वजनिक रूप में समानता की बात करते हैं कि सार्वजनिक रूप में महिलाओं को समानता होनी चाहिए, इनको समान मतदान का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भले ही मत का अधिकार नहीं हो लेकिन महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए। वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि महिलाओं और पुरुष में जो भेद है, भेद का आधार क्या रहा है? भेद का आधार रहा है शारीरिक शक्ति। भेद का आधार शारीरिक शक्ति है रहा है लेकिन आधुनिक समाज में, लोकतांत्रिक समाज में विधि के समक्ष सभी समान हैं, तो शारीरिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है। शारीरिक शक्ति से किसी के साथ भेदभाव करना ये चीज गलत है, ऐसा मिल कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि समाज ने महिलाओं को विषमता का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी परंपराएं, प्रथाओं और परंपराओं की वजह से महिलाओं को घर के काम ही दिए गए, उन्हें घर घरेलू कार्यों में ही लगा दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये परंपरा है, ये तर्क नहीं है कि महिलाओं को पिछड़ा मान लिया जाए। सार्वजनिक जीवन में इसलिए महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए। मिल कहते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन हो गया लेकिन दुनिया की 50% आबादी आज भी दासता की स्थिति में है। महिलाओं को स्थिति को दासता की संज्ञा देते हुए मिल कहते हैं कि महिलाओं को स्थिति दासता से भी बदतर है, इसलिए महिलाओं को समान मतदान का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में उनको समानता का अधिकार होना चाहिए। मिल के ये विचार उल्लिखित हैं उनकी रचना द सब्जेक्शन ऑफ विमन में, ये प्रकाशित हुई थी 1869 में। तो ये थे मिल के महिला अधिकार संबंधी विचार। अभी देखते हैं मिल की लोक कल्याणकारी राज्य के विचार। मिल ने जो है बात की लोक कल्याणकारी राज्य की, राज्य जो है लोक कल्याणकारी होना चाहिए। यहाँ इस बात को उनको इस बात के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उदारवाद में थोड़ा संशोधन कर दिया और इसके अलावा उनको इंग्लैंड में समाजवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। क्योंकि लोक कल्याणकार की बात जो है उदारवादी विचारधारा में तो नहीं थी, उदारवादी लोक कल्याण की बात नहीं करते, स्वतंत्रता की बात करते हैं। समाजवाद में लोक कल्याण की बात होती है, हस्तक्षेपवादी राज्य की बात होती है, इसलिए मिल को इंग्लैंड में समाजवाद का बौद्धिकवाद कहा गया, बौद्धिक पिता कहा गया। उदारवाद के लिए हमने देखा उदारवाद की विशेषता होती है क्या, लोकतंत्र। उदारवाद की विशेषता है लोकतंत्र। उदारवादी राज्य जो है एक राज्य रात्रि प्रहरी नाइट वॉचमैन, रात्रि प्रहरी है राज्य, नाइट वॉचमैन की तरह काम करता है, पुलिस आर्मी जैसे ही काम करता है और वहां की अर्थव्यवस्था जो है बाजार आधारित होती है। राज्य सिर्फ जो है एक विवाद निपटाने का यंत्र होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट
मैकेनिज्म होती है सिर्फ, और बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये है उदारवाद के विचार। जबकि मिल ने अपनी रचना पॉलिटिकल इकोनॉमी में कहा कि सभी व्यक्तियों की हैसियत समान नहीं है। मिल कहते हैं कि समाज में समानता नहीं है, सब व्यक्ति समान नहीं है, इसलिए बाजारवाद से सबका कल्याण नहीं हो सकता। बाजारवादी व्यवस्था जो है सही नहीं है। बाजारवादी व्यवस्था को वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की में समानता नहीं है, ये सभी व्यक्तियों में समान प्रतियोगिता का अवसर नहीं देती। इसलिए उन्होंने राज्य को परिवर्तित कर दिया। राज्य को परिवर्तित करके उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि काम राज्य को अपने हाथ में ले लेने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन, ये सभी काम जो है राज्य को अपने हाथ में ले लेने चाहिए, ऐसा मिल का मानना है। साथ ही काम के घंटे भी नियंत्रित होने चाहिए। निजी कंपनियों में भी काम के घंटे यानी अमानवीय परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। काम के घंटे अमानवीय तरीके से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। कार्य की जो परिस्थितियां हैं उनको सुधारा जाना चाहिए, मानवीय बनाया जाना चाहिए। यानी मिल कहते हैं कि समाजवाद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में ही सुधार करो आप। पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार कीजिए, उसे कल्याणकारी बनाइए, ऐसा मिल का मानना है। पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार की बात वो करते हैं, और सुधार की बात करते हुए कहते हैं कि प्रगतिशील करारोपण कीजिए। प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण का मतलब कि जो ज्यादा कमाता है उसने ज्यादा टैक्स लीजिए, जो कम कमाता है उसने कम टैक्स लीजिए, यही प्रगतिशील करारोपण है। और शिक्षा द्वारा विषमता दूर करने का प्रयास होना चाहिए। सबको समान शिक्षा यदि दी जाए तो हो सकता है समाज में जो है विषमता खत्म हो जाएगी। विषमता खत्म करने का प्रयास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा मिल का मानना है। सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति पर भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकारा उन्होंने, सार्वजनिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण। इनके लोक कल्याणकारी विचारों के कारण सेबाइन टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता सबको दी, स्वतंत्रता सबको उपलब्ध करवाई, और ये सिर्फ संपत्तिशाली व्यक्तियों की ही बपौती नहीं रह गई, सिर्फ संपत्तिशाली व्यक्तियों के ही अधिकार नहीं रह गया, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलने दिया है, ऐसा शेबाइन का कथन है मिल के बारे में। तो ये थे मिल के विचार। अगले चिंतक हीगल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।